उपमंडल नूरपुर के तहत पड़ते क्षेत्र पठानकोट मंडी फोर लाइन सड़क मार्ग पर राजा का बाग के निकट फोर लाइन निर्माण कार्य के चलते खड का पानी लोगों के घरों में घुस गया और गुस्साए लोगों ने रविवार की सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक को बंद कर दिया। एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और ट्रैफिक व्यवस्था को बहाल किया। साथ ही एनएचएआई से संपर्क कर फोर लेन की सर्विस लेन की बंद पड़ी पुलियों को खुलवाने का काम शुरू करवा दिया गया। इस बारे में एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह ने बताया कि भारी बारिश के कारण राजा के बाग के निकट फोर लेन सड़क निर्माण के लिए खड्ड पर बनी सर्विस लेन की पुलियां बंद होने से खड्ड का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे लोगों को नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि बंद पड़ी सर्विस लेन की पुलियों को तोड़कर खोला जा रहा है, वहीं एक और कंक्रीट वर्क करने के निर्देश किए जा रहे हैं ताकि खड्ड का पानी लोगों के घरों में ना जाए। जो ये राजा का बाग में इंसिडेंट हुआ है, इसका कि मैंने जब विजिट किया तो बहुत सारे लोगों के घर में पानी गया है। तो इसका जो मेन रीजन देखा गया वो ये था कि जो आगे कॉजवे बना है, जो सर्विस लेन है, उसके नीचे जो पाइप कलवर्ट है उसका डाया जो है वो 1.2 या इतने साइज का, लेकिन हम ये देखते हैं कि पीछे से बहुत सारा मलबा भी आता है इस खड्ड में। ये खड्ड कोई ऐसी नहीं कि जिसमें सिर्फ पानी आ रहा है, तो वहाँ पे सारी ब्लॉकेज हो रही है और ब्लॉकेज के करके ये जो पानी है वो ओवरफ्लो करके इनके घरों में जा रहा है। तो एज अ टेम्परेरी मेजर हमने ये जो एनएचएआई है और इनसे डिसाइड किया है कि हम इस जो कॉजवे को जो हमने बनाया हुआ था इसको हम तोड़ेंगे ताकि लोगों के घरों में दोबारा से पानी ना जाए। और दो चीज़ें, एक जो एक साइड में डैमेज हुआ है वहाँ पे कंक्रीट वर्क करने के लिए भी इनको बोल दिया, तो ये दोनों कार्य आज ही हम कंप्लीट करवाएंगे। सर, जो लोगों के घरों में पानी घुसा है, रात को सांप भी निकले हैं, जो नुकसान हुआ है उसके बारे में प्रशासन की तरफ से जो नुकसान हुआ है वो हमारे पास रिलीफ में केसेस आएंगे, तो उसके लिए अभी पटवारी ने भी विजिट कर लिए हैं, वो सारे ही रिलीफ केसेस बनके उनका निपटारा हम जल्दी से जल्दी करवा देंगे। एक्चुअली मुझे रात को 3 बजे यहाँ से गाँव वासियों से फ़ोन आया था कि यहाँ पे बारिश के कारण काफ़ी पानी आ चुका है। तो मैंने मौके पे जाके देखा कि हमारी जो इन्होंने पुलियाँ बनाई हुई है जैस ग्रोवर हाईवे वालों ने, तो वो पुलियाँ तीनों ब्लॉक होने के कारण एक पुली खुल के हमारे वार्ड नंबर पंचायत बासा और वार्ड नंबर 3 में पूरा पानी वहीं पर घुस गया। तो मैंने मौके जाकर देखा तो वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर हमने क्या बोलते हाईवे वालों को बुलाया, वो भी टाइम पे मौके पर नहीं आए, और हमने प्रशासन को भी फ़ोन किया पर वो भी नहीं आए टाइम पे। तो इस कारण हमने क्या बोलते रोड ब्लॉक किया। तो प्रशासन से हमारी यही मांग है कि क्या बोलते इसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। और अब मौके पे एसडीएम पहुंचे हैं, इन्होंने क्या यहाँ पे आकर निपटारा किया? एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि कल क्या बोलते जो भी नुकसान हुआ है हमारे लोगों का उनकी जल्द से जल्द भरपाई करेंगे।